हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी पिया व्लॉग्स। ऐसी जगह है जहाँ पर हम आ गए सरप्राइजिंगली। ये जगह है नेचर के बहुत ही क्लोज और मुंबई से थोड़ा दूर है, और ये जगह थोड़ी ज़्यादा स्पेशल है। टाइम है, चाय नाश्ता हो गया यहाँ पे। बहुत अच्छा इडली बड़ा सांभर हम लोगों ने यहाँ पे खाया है। फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी थोड़ी आगे पार्क है, यहाँ पे जगह नहीं है, स्टेशन के पास का एरिया है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा वॉक करके जा रहे हैं अब आगे। टाइम ऑन सीक्रेट ही है जहाँ हम लोग जाएंगे, वो तो आपको जाके ही बताएंगे हम लोग। एंड सो लेट्स गेट कॉलेज जहाँ पे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो अब थोड़ा सा इतने सालों के बाद बहुत कुछ यहाँ बदल गया है। अभी भी ये बहुत क्लोज है, यहाँ पे ट्रीज बहुत है और इतनी धूप में हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत शेड है। तो यहाँ से ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा ऑफकोर्स एक अच्छा कनेक्शन है। तो हम लोगों ने कल ये सडनली प्लान बनाया और आज मॉर्निंग में निकल गए यहाँ आने के लिए। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आगे क्या क्या है। ये बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो इसमें कुछ कॉलेजेस तो बंद हो गए हैं अभी और कुछ नए भी चालू हुए हैं, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं इस इंस्टीट्यूट में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एग्जैक्टली ये मेरा कॉलेज। कौन से कॉलेजेस चालू हैं अभी? फार्मेसी है, ITI है, तुम्हारा इंजीनियरिंग है, अच्छा फिजियोथेरेपी है। तो ये अभी अच्छे से चालू है ये कॉलेजेस ना? आज सैटरडे है, इसके लिए बच्चे नहीं है यहाँ पे। दिवाली है, इसके लिए गांव गए। अच्छा, हाँ दिवाली वेकेशन है, 1 तारीख लग सब आ जाएंगे। बराबर। और आप यहाँ पे कब से हो? मेरे को 5 महीने हुए मैडम। 5 महीना हुआ है। मैं रायगढ़ में रहता हूँ, उधर MBBS कॉलेज है ना। हाँ हाँ, उधर हॉस्पिटल। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ना, झाड़ वाड़ है, बहुत अच्छा है इधर सराउंडिंग्स। 65 एकड़ का है पूरा। 65 एकड़ का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ना। कितने कॉलेजेस, कितनी बिल्डिंग होगी? 8 है। 8। ये फार्मेसी कॉलेज है, ये है इंजीनियरिंग कॉलेज YT IIT। अब बताओ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे?
मुझे तो बहुत मजा आया करजत में, एक्चुअली भीवपुरी रोड करजत का एक स्टेशन पहले है ये। तो मोस्टली लोग यहाँ पे रिसोर्ट और लाइक घूमने के लिए आते हैं कि रिसोर्ट में स्टे करेंगे, अच्छा व्यू मिलेगा। तो ये एक्चुअली जो हमारा कॉलेज है ये माथेरान के माउंटेन के जस्ट, मतलब यहाँ से माथेरान का माउंटेन दिखता है। तो ये कॉलेज सेल्फ ही एक रिसोर्ट टाइप है। तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं आज यहाँ पे ही आके वो फीलिंग ले लें। अगर आप मुंबई जैसे सिटी में रह रहे हो और वहाँ से यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत अच्छा ही लगेगा, शांति। तो लोग इसीलिए रिसोर्ट में जाते हैं कि थोड़ा चिल करें, रिलैक्स करें। तो कैंटीन चालू है और उधर भी था ना कैंटीन, वो बंद हो गया। तो यहाँ पे हमको एक स्टाफ मिल गए, वो हमको देख के बताने लगे कि यहाँ पे कैंटीन है, आप लोग खा सकते हो। तो जो हमारे टाइम पे कैंटीन था वो एक्चुअली बंद हो गया और यहाँ पे अभी एक दूसरी जगह कैंटीन चालू हुआ है। तो वो हमें गाइड कर रहे थे कि यहाँ पे वड़ा पाव और मिसल पाव सब कुछ मिलेगा, जो एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। हम लोग कॉलेज टाइम में यहाँ पे खाया करते थे। तो यहाँ के वड़ा पाव मिसल पाव की बात ही अलग है। तो हम लोग वो एक्चुअली वो भी सोच के रखा था हम लोगों ने कि जब भी यहाँ आएंगे तो वो खाना जरूर है। ये है हॉस्टल। अभी यहाँ पे घास कुछ ज्यादा ही उग गई है, कटिंग होती है यहाँ पे लेकिन वेदर के हिसाब से यहाँ पे घास हो गई है वापस। तो अब हम लोग जा रहे हैं कैंटीन। ये मम्मी है। यस, यहाँ पे बहुत शांति है लेकिन आवाज हमारी बहुत आ रही है। ये देख लो यहाँ पे ये बॉटनी वाले कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं, इनको क्या प्लांट्स मिल गए। देखो क्या है ये, दिस इज पारिजात, पारिजात। अच्छा, पारिजात ये बोटानिकल नेम है ना? बोटानिकल नेम इज नॉट, दिस इज हिंदी नेम पारिजात। अच्छा, स्वर्ग का ट्री बोलते हैं। ओके, हेवन ट्री है। ये भी बहुत अच्छा है वॉकिंग का। सो इट्स लाइक रिसोर्ट ओनली, ये कोई रिसोर्ट से कम नहीं है ना। ये देखो, अरे वाह, फाइनली बहुत ही अच्छा कैंटीन बन गया है ये तो, अमेजिंग। तो कैंटीन चले गए फटाफट, लेकिन फिर हमें वहां जाके याद आया कि हम लोग बच्चों का खाना तो गाड़ी में ही भूल गए और पानी भी गाड़ी में ही भूल गए थे। तो हम लोग ने मदर बैग रख लिया है और बच्चों का खाना रख लिया, भाभी के पास भी है। ये जो हमने सुबह इडली खाया था ये पार्सल बच गया था, बच्चों के लिए लिया था। तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, तो हम लोग अब इसको भी साथ में खा लेंगे। ये आप तो एक्चुअल नेचर वॉक कर रहे हो भाभी, मस्त फुटवेयर निकाल के, अच्छा फील होता है ना एकदम। इस पे कैसे प्लेट खींच ली आपने, दिख रहा है कि देखो प्लेट भी गायब हो जाएगी। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। ये है हम दोनों हैं, तो एक में दो दिया है, एक में दो दिया है। हाँ, आप बताओ रिव्यू, ये आपका मोस्ट अवेटेड ट्रिप था ना? फाइव स्टार रेटिंग भजिया पाओ, और जिस तरह से इन्होंने दिया है ना प्लेट में, प्रेजेंटेबल एकदम, बहुत अमेजिंग। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा मिलेगा यहाँ पे। तो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला ना हमारे कॉलेज में? बहुत सही, एकदम एकदम दामाद जैसा फील है। दामाद वाली फीलिंग आ रही है इनको। टाइम जब आए थे तो ऐसे उड़ रही थी हवा, चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था। कौन सा टाइम था? दिसंबर का ही कुछ टाइम था शायद। हाँ, मैगी हियर, मैगी भी आ गई है बच्चों की, सुपर्ब। भैया हाउ इज द टेस्ट? वेरी नाइस। डोंट आस्क मी, डोंट आस्क मी, इट्स वेरी गुड, डोंट आस्क। भैया खा रहे हैं उसी से समझ में आ रहा है। अरे ये देखो, अरे चुड़ाना पड़ेगा हाँ। ये भैया यहाँ पे बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं मेरे लिए। बस हम लोगों को स्टेशन से पिकअप करती थी कॉलेज के लिए, फिर कॉलेज से स्टेशन ड्रॉप करती थी। सुन रहे होंगे कि इतना शांत लग रहा है, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ है और बहुत ही सूदिंग लग रहा है यहाँ पे। आजू बाजू इतनी ग्रीनरी है,
यहाँ पे बारिश के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग बारिश में भी एक विजिट यहाँ पे करें, तो वो विजिट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुंबई में तो वैसे यहाँ इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, ठंडी तो थोड़ी बहुत चालू हो गई है दिवाली के बाद से, लेकिन मॉर्निंग में ही थोड़ी ठंडी होती है और इवनिंग में रात में, बाकी टाइम तो यहाँ पे धूप ही रहती है। तो ये प्लेस पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, आप मेरे पीछे से देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर जगह एकदम ही धूप है, इतने ट्रीज है, बीच बीच में शेड मिलता है, तो वहाँ खड़े हो जाओ वहाँ पे। और ये जो धूप है ना, ये अच्छी धूप है, मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे टैनिंग हो जाएगी या हेडेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं हमारे अगले स्पॉट पे, तो चलो आपको भी वहाँ पे लेके चलते हैं।